एक पुराना ट्रस्टेड ब्रांड जिसका शेयर 630 रुपीज से गिर के सिर्फ 3 रुपए का रह गया, इस स्टॉक के गिरने से मुझे पर्सनली भी बहुत लॉस हुआ। और मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैसी कंपनी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ रिटेल सेक्टर के बादशाह यानी फ्यूचर रिटेल की, जिसके पास जायंट्स थे जैसे कि बिग बाजार, फूड बाजार, पैंटलून्स और ब्रांड फैक्ट्री। 1987 में किशोर बियानी ने स्टार्ट किया था मेन्स वेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको उसने रीनेम किया और बनाया पैंटलून्स 1997 में। इसका पहला स्टोर खुला था कोलकाता में। इसके बाद किशोर बियानी रुके नहीं और उन्होंने इंडियन कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेट्स पर देने के लिए लॉन्च किया बिग बाजार, जो धीरे धीरे हर इंडियन का फेवरेट बन गया। पैंटलून्स और बिग बाजार दोनों ही अपने टाइम के रिटेल मार्केट के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे और इसलिए किशोर बियानी को किंग ऑफ रिटेल कहा गया। फिर क्या था, बियानी ने एक्सपेंशन के लिए दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे फिल्म मेकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, और उसके लिए उन्होंने ले लिए कई हजार करोड़ रुपए के लोन। और फिर उन लोन्स को रीपे करने के लिए बियानी ने साल 2013 में पैंटलून्स को आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ रुपए में बेच दिया। बट किशोर बियानी डिड नॉट स्टॉप देयर, उन्होंने इसके बाद भी बॉलीवुड मूवीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें उन्होंने लगाए तकरीबन 26 करोड़ रुपए। इसके बाद इंटरनेट शॉपिंग ट्रेंड को फॉलो करते हुए लॉन्च किया futurebazaar.com, जिसमें लोग घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का इंडिया में इतना ट्रेंड नहीं था और इस बिजनेस में प्रॉफिट तो दूर की बात, बियानी के 350 करोड़ रुपए डूब जरूर गए। नई कंपनी इसको खोलना और उनका लॉस उठाना, ये सिलसिला थोड़े टाइम नहीं, काफी लंबा चला। 2014 में बियानी ने साउथ की सुपरमार्केट चेन नीलगिरीज को 300 करोड़ रुपए में खरीदा। फिर 2017 में 650 करोड़ रुपए खर्च करके हाइपर सिटी को खरीदा। लेकिन ये सारी बाइंग प्रॉफिट से नहीं हो रही थी, ये सब हो रहा था कर्ज लेकर, जो कि एक स्मार्ट मूव नहीं था। और इसी तरह कई डिसीजंस लेने की वजह से 2019 में किशोर बियानी के ऊपर तकरीबन 12,700 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया था। और फिर 2020 में पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से फ्यूचर रिटेल के शेयर्स की वैल्यू और भी गिर गई और 340 रुपए का शेयर 60 रुपए रह गया। 303 रुपए का शेयर था 2 मार्च 2020 में, जो कि सिर्फ 64 रुपए का रह गया 8 अप्रैल 2020 में। कुछ ही महीनों में फ्यूचर रिटेल्स के स्टॉक्स 80% तक गिर गए। इसके बाद अगस्त 2020 में फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल अग्रीमेंट में आए, जिसमें रिलायंस रिटेल को फ्यूचर ग्रुप के होलसेल और लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदना था। ये न्यूज़ शेयर होल्डर्स के लिए राहत की सांस तो लेकर आई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शेयर का दाम सिर्फ उठा था कुछ समय के लिए, आगे फिर गिरने के लिए। स्टॉक का दाम उठा 160 रुपए, लेकिन उसके बाद जल्द वापस गिर भी गया। अमेज़न ने इस डील में अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि अमेज़न ने 2019 में फ्यूचर कूपन्स के 49% स्टेक्स लिए थे और इस डील में अमेज़न को फ्यूचर रिटेल के 3.5% स्टेक्स भी मिले। और अमेज़न ने क्लेम किया कि फ्यूचर ग्रुप अपनी एंटिटीज अमेज़न की कंसेंट के बिना सेल नहीं कर सकता, विच एक्चुअली दे डिड। और फिर अमेज़न ने अप्रोच किया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को, ताकि इस डील को रोका जा सके, और एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ टू हॉल्ट द डील इन अक्टूबर 2020। इसके बाद अमेज़न ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट ने कहा कि एज पर इंडियन लॉज डील कैन नॉट बी इंटरवीन। और फिर 20th जनवरी 2021 को सेबी ने डील को अप्रूवल दिया, ये कह के कि एज पर इंडियन लॉज ये डील जायज है। बट द फाइनल ट्विस्ट केम जब रिलायंस ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल के साथ अपनी 24,713 करोड़ रुपए की डील को तोड़ दिया, ये कह के कि फ्यूचर रिटेल के मेजॉरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने डील के अगेंस्ट वोट की। अब बात आती है कि क्या फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स को राहत की सांस मिलेगी इन द लॉन्ग रन या नहीं, ये डील अमेज़न के साथ चलेगी या नहीं, वो अभी नहीं पता है। फॉर दैट वी हैव टू वेट एंड सी कि शेयर होल्डर्स के साथ और उनके पैसे का क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।